सिंगरौली जिले के मैढोली वार्ड क्रमांक 10 के विस्थापितों ने एनसीएल पर लगाया आरोप। मैढोली के विस्थापितों द्वारा आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर एनसीएल द्वारा शीघ्र एवं सही तरीके से मुआवजे का वितरण नहीं किया गया तो आगे एनसीएल मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि मैढोली में घर जमीन का नापी एनसीएल द्वारा 8 वर्ष पहले किया गया था, लेकिन अभी तक मुआवजे का वितरण नहीं किया गया। ब्लास्टिंग एरिया नजदीक होने के कारण ग्रामीणों का घर में रहना मुश्किल हो गया है। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया है दूधी चुहा एवं जयंत परियोजना में जिस तरह से एनसीएल के द्वारा अलग अलग रेट से मुआवजा बनाया गया है वह गलत है। दूधी चुहा एवं जयंत मैढोली विस्थापितों को एक रेट से मुआवजा का वितरण एनसीएल द्वारा किया जाए, अन्यथा ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, इस मीटिंग का उद्देश्य यही रहा कि जो आज एनसीएल जयंत परियोजना द्वारा सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, तो ग्राम मढ़ौली के विस्थापितों के साथ ये एक तरह से एनसीएल छलावा कर रही है, सत्यापन नहीं, वो पूरी तरह से उस नापी कर रही है। और आज के डेट में जो घर जैसा मिल रहा है उसको नाप के उनको मुआवजा बना के नोटिस दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जबकि मुआवजा पूर्व में ही स्वीकृत होके आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं और इन्होंने जुलाई 2017 में बांटना भी चालू किया, तो उसको आज ये सरासर नकार रहे हैं। और विस्थापितों को पुनः 2020 में उनके मकानों की स्थिति के हिसाब से मुआवजा बना करके नोटिस दे रहे हैं, जिससे विस्थापित आक्रोशित हैं, वो इस मुआवजे को लेना नहीं चाहते हैं और वो प्रबंधन से जानना चाहते हैं कि हमारा जो मुआवजा था वो ऐसे मतलब इतना कम कैसे हो गया। बहुत सारे रेटों को लेकर के इनमें कंफ्यूजन है, जो कि एनसीएल पारदर्शिता की बात करता है, तो विस्थापितों को आज तक ना ही जमीन का रेट बताया ना ही मकान का रेट बताया है, दोनों में कंफ्यूजन पैदा करके रखा है। और विस्थापितों में एक और कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि नौकरी का फाइल लगवाया है और उनको कह रहा है कि आप पहले घर गिरा के आओ तब मुआवजा देंगे और नौकरी देंगे, तो जब हमारा मुआवजा मिला ही नहीं तो हम घर कैसे गिराएंगे, और घर अगर गिरा देते हैं तो कल के डेट में कोई विवाद आएगा तो अब हम कैसे साबित कर पाएंगे। तो एनसीएल पूरी तरह से मतलब विस्थापितों को प्रताड़ित कर रहा है और वो अपना मनमर्जी कहते हैं तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। इसी के विरोध में विस्थापित एक बार फिर लामबंद हुए हैं और वो अगली लड़ाई लड़ने के लिए एक डेट निर्धारित कर रहे हैं और अपना ज्ञापन बना करके दे रहे हैं। वो शीघ्र ही आप लोगों को भी बता दिया जाएगा कि विस्थापितों का उग्र आंदोलन होने वाला है और इस बार एनसीएल प्रबंधन की हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसा है कि हम लोग आंदोलन करीब 5-6 महीने से इधर ज्यादा गति दिए हुए थे। जिला प्रशासन की बातों को एनसीएल प्रबंधन नहीं मानता। एनसीएल प्रबंधन गुणाधर पांडे इनके जो निर्देशक हैं उन्होंने कहा था कि हम एक रुपये भी पैसा कम नहीं करेंगे किसी का। ये पुनः सर्वे करा के सबका पैसा काट दे रहे हैं, जो हम सब विस्थापितों को ये किसी भी हालत में मान नहीं होगा। और हम लोग एक रणनीति बनाने के लिए बैठे हुए हैं आज, उसके तहत जो फैसला होगा और उसके लिए हम लोग सीएमडी ऑफिस का घेराव करेंगे। और जब तक हम लोगों को मुआवजा वितरण स्टार्ट नहीं करेंगे, सीएमडी ऑफिस उनको जयंत प्रबंधन को नहीं बोलेगा, तब तक हम लोग सीएमडी ऑफिस से कार बात करेंगे और काम होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। क्या सीएमडी ऑफिस का घेराव करने का डेट निश्चित कर लिया आपने? अभी वो तय हो जाएगा और उसके बाद उसकी जानकारी दे दीजिए।